हेलो दोस्तों, मैं ऋतिक चौधरी आज को और एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं लिख रहा आया हूँ एमपी बोर्ड महत्वपूर्ण प्रश्न संस्कृत, जो कि है टेंथ के लिए 2020 की परीक्षा के लिए। तो जो है मैं संस्कृत के जो है सही विकल्प आपके लिए लिख रहा आया हूँ। तो अगर मैं आपको संस्कृत का जो है पेपर दिखाऊँ तो देख सकते हैं, ये मेरे पास पेपर है 2019 का, मतलब अभी लेटेस्ट न्यू पेपर है ये। तो न्यू पेपर में देखिए कि चार रिक्त स्थान, चार जो सही विकल्प हमें पूछे जाते हैं। पहला जो है संधि से रिलेटेड होता है, देखिए संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, और इसमें एक जो है अवयव का आ जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है दूसरा रिक्त स्थान होता है, देखिए मैं दूसरा जो सही विकल्प होता है, तो यह जो है तीसरा सही विकल्प होता है, और यह जो है चौथा सही विकल्प होता है। मतलब आपको सिर्फ जो है 20 अंक के जो है केवल सही विकल्प 20 अंक के पूछे जाते हैं, तो जो है बहुत मुश्किल होता है। तो मैं जो है आपके लिए यह लेकर आया हूँ सही विकल्प, मैं आज आपको इनको हल कर भी देने वाला हूँ। तो एक तो इसमें से आ सकते हैं, या फिर इसके रिलेटेड आपको जो है पूछेगा, तो मैं आपको बता भी दूंगा कि कैसे आता है। तो यह जो है संधि से रिलेटेड है, मैं जो है चारों पार्ट में जो है चारों के बारे में बता दूंगा, ठीक है। शुरू करते हैं। पहला है हमारे सामने उचित विकल्प चितवा लिखा था, ठीक है। क, मनः धन रथ इत्यस्मिन संधि अस्ति, ठीक है, इत्यस्य संधि अस्ति। तो जो है मनः धन रथ, ठीक है, तो इसमें जो है कौन सी संधि है? तो देखिए आप यहाँ पर लिखा है मनः, ठीक है, मनः मतलब यहाँ पर लगी है दो बिंदु। और अगर आपको ऐसा कहीं पर भी आता है कि मनः या फिर कहीं पर भी जो है दो बिंदु अगर देते आते हैं, तो आपको पता होगा विसर्ग कहते हैं उसे, विसर्ग यानी दो बिंदु। तो आप इसमें जो है बिना डाउट के विसर्ग संधि लिख लीजिए, विसर्ग संधि, ठीक है। अगला पढ़ते हैं हम शॉर्ट ट्रिक से जो है समझेंगे। नमस्ते इत्यस्य पदे संधि अस्ति, ठीक है, नमस्ते इत्यस्य पदे संधि अस्ति। तो देखिए हम पढ़ते ही से नमः, ठीक है, नमः तो बन जाएगा, क्योंकि नम तो बना नहीं सकते हम, हमें ऐसी विच्छेद करने हैं, नमस्ते का ऐसा विच्छेद करना है कि दोनों तरफ से जो है हमें अर्थ मिलना चाहिए। नमः, ठीक है, नमः बना देंगे हम, उसके बाद में इस्ते बचेगा, तो इस्ते तो हम लिख नहीं सकते, तो लिख सकते हैं ते, ठीक है। तो यह जो है पहला जो है इसका सही आंसर आएगा। अगला देखते हैं, अगला है यण संधि उदाहरण अस्ति, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो है यण संधि का जो है उदाहरण है, तो मैं आपको जो है यह दिखा देता हूँ। इसके जो है कुछ सही विकल्प जो है कुछ दिए हुए, तो हमें यहाँ पर दिया है यण संधि का उदाहरण है। अगर मैं आपको यण संधि के बारे में बताऊँ, तो यण संधि में होता है य, मतलब अगर य में कहीं पर भी कुछ जुड़ा है, जैसे देखिए यण संधि, यण संधि में आपको कहीं भी य दिखता है और उसके साथ अगर कुछ जुड़ा हुआ दिखता है, जैसे य के साथ कुछ दूसरा जुड़ा है, तो वह जो है यण संधि में कहलाता है। मतलब आपको पूरा य नहीं दिखेगा, एक तो य दिखेगा या फिर र भी दिख सकता है, ठीक है। तो यण, तो यहाँ पर जो है यह किस किस में है, तो हिमालय में भी जो है पीछे यह है, लेकिन हमें पीछे नहीं बीच में देखना है, तो यह तो हिमालय तो नहीं आ सकता। बात करें गणेश की, तो गणेश में तो यह है ही नहीं, न ही र है, ठीक है, तो यह भी जो है नहीं आ सकता। अब बात करते इत्यादि की, तो इत्यादि में देखिए यह है और उसके साथ जो है तो आधा जुड़ा हुआ है, तो यह जो है आ सकता है। और देखते हैं नैनम में भी यह है, ठीक है, लेकिन उसके साथ कोई जुड़ा नहीं है, तो इसके जो है ज़्यादा चांस है, तो इसलिए इत्यादि आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं ममे वित्तस्मिन् पदे संधि अस्ति, ठीक है। तो मम मे व, आप देख सकते हैं म के ऊपर जो है डबल मात्राएं है लगी हुई है, तो आपको जो ही कहाँ पर भी अगर शब्द के बीच में डबल मात्राएं दिखे, तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पर जो है वृद्धि स्वर संधि है, ठीक है। आप बिना किसी डाउट के जो है वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि लगाकर आ जाइएगा, डहा पर भी जो है डबल मात्राएं आपको दिखे, क्योंकि इसमें जो है डबल मात्राएं अधिकतर पूछी जाती है, और जो है ऐसे ही जो आपको पूछेगा तो जो है आपको वृद्धि स्वर संधि जहाँ पर भी डबल मात्राएं आपको दिखे वहाँ पर वृद्धि लगाना है, ठीक है। विद्या माता इव रक्षन्ति तस्मिन् वाक्य अव्यय अस्ति, तो अव्यय पता है आपको, अव्यय यानी जिसका कोई नाम, मतलब अव्यय में जो है किसी का नाम नहीं आ सकता, ठीक है। तो हम देखते हैं विद्या, अव्यय ऐसा शब्द है, मैं आपको अव्यय के बारे में समझा दूँ, अव्यय ऐसा शब्द है जो किसी का नाम नहीं हो सकता, मतलब इसमें से जो है
हमें किसी का नाम नहीं आना चाहिए। क्योंकि देखिए मैं समझाता हूँ आपको, पहला आता है विद्या, तो विद्या जो है किसी का नाम है तो यह जो है अव्यय नहीं हो सकता। अगली थी माता, तो माता भी जो है किसी का नाम है तो ये भी किसी का नहीं हो सकता, ठीक है। अगला था है ईव, ईव जो है किसी का नाम नहीं है, ठीक है, तो इसमें जो है ईव आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम, अगला था रामोदार्य में इतस्नि पदे संधि अस्ति, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा, रामोदार्य में जो है दो मात्राएं लगी हुई है, मैंने आपको बताया था अगर कहीं पर भी दो मात्राएं आपको दिखती है लगी हुई तो वहाँ पर जो है वृद्धि संधि आएगी, तो जो है इसमें भी जो है वृद्धि संधि आएगी। गुण संधि उदाहरण अस्ति, जो है गुण संधि, तो मैं आपको गुण संधि का बता देता हूँ। मैंने आपको वृद्धि संधि का बताया कि जहाँ पर दो मात्राएं आती है वहाँ पर वृद्धि संधि होती है, तो गुण संधि का भी कुछ वैसा ही है, जहाँ पर जो है एक मात्रा लगी हुई आती है ऊपर तो वहाँ पर जो है गुण संधि होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दो, इसमें एक मात्रा लगी हुई, जैसे परोपकार में भी लगी हुई है और हरे अव में से, हरे अव में भी जो है दो मात्राएं लगी हुई है, लेकिन जो है हरे अव जो है यह पूर्व रूप में आ जाता है। पूर्व रूप संधि के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, जहाँ पर भी जो है यह अव दिखता है, जो है यह पाद जैसा जो है बना हुआ है, यह अगर दिखता है तो वह जो है पूर्व रूप संधि में आता है, ठीक है। सब में नहीं होता है लेकिन अधिकतर जो है यह आता है, तो यह जो है पूर्व रूप संधि का पद हो गया, तो यह तो नहीं आ सकता, लेकिन परोपकार में जो है एकमात्र लगी हुई है और यह यहाँ से ही कट रही है, पर धन उपकार, ठीक है, तो यह जो है गुण संधि का आ जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है हमारे सामने मनोहर इत्तस्नि पदे संधि विच्छेद अस्ति, ठीक है। मनोहर का संधि विच्छेद है, तो मनोहर का देखिए, मनोहर तो मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पर से यह जो कट रहा है मनह धन हर, तो इसमें देखते हैं मनह धन हर कहाँ पर है, यह है क, हमें इस प्रकार तोड़ना है कि दोनों का जो है सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। अगला था है व्यंजन संधि उदाहरण अस्ति, जो है व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है, मैं आपको बता दूं, व्यंजन संधि का उदाहरण जो है यह है सत्य धन वध। अब आप पूछेंगे यह कैसे है, तो देखिए अगर हम, हमें नहीं, जैसे मैं आपको बताऊं कि मुझे इसमें नहीं पता है कि कौन सा है, तो इसको जो है पकड़ने की ट्रिक है। देखिए मैंने आपको बताया था जहाँ पर दो मात्राएं होती है वहाँ पर तो वृद्धि संधि होती है, तो यहाँ पर जो है वृद्धि संधि आ जाएगी। देखिए देखिए जहाँ पर एक मात्रा होती है वहाँ पर तो गुण संधि होती है, तो यहाँ पर भी जो है गुण संधि आ जाएगी। अब बचा गिरीश धन, गिरीश और सत्यवध, ठीक है, तो यहाँ पर जो है बन जाता है गिर धन ईश, ठीक है, गिर धन ईश बन जाता है, लेकिन यह जो है व्यंजन संधि का नहीं है, दीर्घ संधि का ही, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा लगी हुई है, लेकिन सत्य और वध हमें नहीं पता है, तो यह जो है व्यंजन संधि का होता है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, पूरा समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको परीक्षा में जो है शॉर्ट ट्रिक से आजमाना है। अधोलिखित अव्यय नास्ति, इसमें से कौन सा जो है अव्यय नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था अव्यय किसी का नाम नहीं आ सकता, यत्र किसी का नाम नहीं है, तत्र किसी का भी नाम नहीं है, कदा किसी का भी नाम नहीं है, लेकिन मित्रम किसी का नाम हो सकता है, ठीक है, तो जो है मित्रम अव्यय नहीं है। तद्धनलीन भौति, ठीक है, तो तद्धनलीन मतलब आधा त है, तो यह बन जाएगा तल्लीन। तो देखिए यहाँ पर तल्लीन इसमें दिया हुआ है, पीछे जो है मात्राएं भी इसकी जो है लगी हुई है, ठीक है, यह आएगा। अगला है बारवा नमस्ते इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति, ठीक है, तो नमस्ते का संधि विच्छेद बनेगा नमः धन अस्ते। देखिए नमः यानी उसमें जो है पीछे दो बिंदु लगेंगे, नमः यानी यह विसर्ग में आएगा, तो ये जो है विसर्ग संधि में यह चला जाएगा। अगला देखते हैं हम, अगला हमारे सामने तेरवा इत्यलम इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति, ठीक है, इत्यलम में कौन सी संधि है, तो देखिए इत्यलम, तो मैंने आपको बताया था अगर त तो में कहीं, अगर य में जो है त तो कहीं जुड़ा है, तो ये देखिए यहाँ पे ये य भी है और त तो इसमें जो है आधा जुड़ा हुआ है, तो इसमें जो है यण संधि होती है। अगर आपको य दिखे या फिर र दिखे, तो य में अगर कोई भी चीज़ जुड़ी है तो अधिकतर उसमें यण संधि होती है, तो यहाँ पर भी जो है यण संधि आएगी। आपको 10वीं में जो है शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक से जो है आजमानी है, ठीक है। अगला आता है महेंद्र इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति, इत्यत्र संधि अस्ति, ठीक है, महेंद्र में जो है यहाँ पर संधि बतानी है। तो महेंद्र अगर आप देखें तो यहाँ पर ऊपर एक मात्रा लगी हुई है, मैंने आपको बताया था जहाँ पर भी एक मात्रा होती है वहाँ पर गुण संधि होती है, जहाँ पर दो मात्राएं होती है वहाँ पर जो है वृद्धि संधि होती है, ठीक है, तो यहाँ पर जो एक ही मात्रा लगी इसलिए हम जो है यहाँ पर गुण संधि लिख देंगे।
अगला आधुलिकी तो अव्यय अस्ति, तो इसमें से जो है कौन सा अव्यय है? मैं आपको बता रहा, अव्यय किसी का नाम नहीं होता है, किसी का नाम छोड़कर जो है हमें देखना है कि अव्यय होता है कि नहीं। तो देखिए कदा किसी का नाम नहीं है, और देखते हैं राम किसी का नाम हो सकता है, रमा भी किसी का नाम हो सकता है, और मिन्ह भी किसी का नाम हो सकता है। तो कदा जो है किसी का नाम नहीं हो सकता, तो ठीक है कदा इसका जो है आंसर है। तो संधि के कुछ यही तक ही, और अगर मुझे कुछ पॉइंट मिलते हैं तो मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊँगा। तो यह वीडियो यही तक ही।